भारत माता की इनकलाब इनकलाब वंदे वंदे। आज यहाँ पे इतनी भारी संख्या में आए हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों आप सब लोगों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, ये रैली कोई राजनीतिक रैली नहीं है और मैं भी यहाँ पे किसी पार्टी विशेष का नेता बन के नहीं आया। मैं आप लोगों से वोट मांगने नहीं आया। आप में सामने जितने लोग बैठे हैं अलग अलग पार्टियों के होंगे, आप जिस पार्टी के हो उसी को वोट देना। अभी कुछ दिन पहले कुछ हफ्ते पहले मेरे पास यशवीर जी और आपके कई सारे साथी मिलने के लिए आए थे। उन्होंने सारी बात जब मेरे को बताई, अभी तक हम ये तो सुनते थे कि किसानों के साथ फलानी फलानी सरकार ने अन्याय कर दिया, हम ये तो सुनते थे मजदूरों के साथ फलानी फलानी सरकार ने अन्याय कर दिया। सेक्टरों में रहने वाले पढ़े लिखे सक्षम लोग होते हैं, मिडिल क्लास के लोग होते हैं। आज तक मैंने इस तरह से मिडिल क्लास के लोगों को इतने घंटे धूप के अंदर बैठे हुए कभी नहीं देखा। यहाँ सामने जितने लोग बैठे हैं मेरे को बताया गया इसमें कई इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, उद्योगपति हैं। ये सरकार ऐसी है जिसने लगता है किसी को नहीं छोड़ा, ना किसानों को छोड़ा, ना ट्रांसपोर्ट वालों को छोड़ा, ना मजदूरों को छोड़ा, ना सेक्टर वालों को छोड़ा। मैं आपका पूरा मुद्दा समझ के आया हूँ। ये सारी ये फाइल दे के गए थे, ये फाइल और भी कई सारी फाइलें दे के गए थे, सारा पढ़ के आया हूं मैं, ऐसे ही नहीं आया। और ये सारा पढ़ने के बाद मैं भी इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि सेक्टर के लोगों के साथ घोर अन्याय हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, कई सालों से हो रही है, अभी चल रही है और एक तरह से आपके साथ एक्सट्रॉशन किया जा रहा है। मैं आज दिल्ली से आपके साथ इस लड़ाई में आपके छोटे भाई के तरह हिस्सेदार बनने के लिए आया हूं और ये कहने के लिए आया हूं कि अब से आगे जब तक आपको आपका हक नहीं मिल जाता मैं आपके साथ हूं, कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। फिर से मैं बता दूं, केजरीवाल जिंदाबाद, 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 अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, 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 अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर से मैं बता दूं, मैं वोट मांगने नहीं आया। आप जिसको मर्जी वोट दे देना, लेकिन आपकी लड़ाई जायज है, अन्याय है, घोर धोखाधड़ी हो रही है और आपकी लड़ाई में मैं आपके साथ हूँ। और आज आपको मैं ये बता दूं, ये अनाउंसमेंट खत्म होके रहेगी, अब इसको कोई नहीं रोक सकता। जैसा भी भाई साहब बता रहे थे कि एक मिडिल क्लास का आदमी अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी करके प्लॉट खरीदता है, उस पर घर बनवाता है। एक मिडिल क्लास के आदमी की इच्छा यही तो होती है, बच्चे पढ़ लिख जाए, उनका अच्छा ठीक ठाक ब्याह हो जाए, एक अपना जिंदगी में घर बन जाए। लेकिन अगर वो घर के ऊपर वो तलवार लटकती रहे, 3 साल 4 साल में एक अनाउंसमेंट का नोटिस आ गया, फिर एक अनाउंसमेंट, ये तो मतलब ऐसे हो गया जैसे जिंदगी भर कोई खत्म ही ना होने वाली चीज हो। कभी कहते हैं जी कोर्ट का अनाउंसमेंट का ऑर्डर आ गया, कभी कहते हैं जी लेस कन्वेंस, इन्होंने एक बता रहे लेस कन्वेंस नाम की एक चीज निकाल दी गई, किराएदार बना दी जी लेस कन्वेंस। ये तो आज तक कभी नहीं सुना था भारत के लीगल हिस्ट्री में, कभी लेस कन्वेंस हमारे से, जब हमने कैलकुलेशन करी तो गलती हो गई थी, अब ले रहे हैं हम। तो ये सारे इन लोगों ने आप लोगों से पैसे वसूलने के तरीके बना रखे हैं, ये बिल्कुल गलत है। 15% के हिसाब से ब्याज जो लिया जा रहा है, कि आज आपकी डिमांड निकालेंगे लेकिन 2001 से लेकर आज तक 15% ब्याज लगा देंगे, ये बिल्कुल गलत है, ये कहीं नहीं सुना आज तक।
तो एक तरह से एक्सटॉर्शन किया जा रहा है। मैंने और जब समझने की कोशिश करी तो मेरे को बताया गया, जी हम एनहेंसमेंट देने के खिलाफ नहीं है, हमको सारा हिसाब किताब तो बताओ। इससे भाई साहब ज्यादा जायज मांग कभी नहीं हो सकती। अक्सर लोग पार्टियों को और नेताओं को इस्तेमाल करते हैं चुनाव के पहले, जी चुनाव के पहले घोषणा कर दो अब कोई एनहेंसमेंट नहीं होगा, और पार्टियां कर भी देती हैं। मुझे इससे ज्यादा जायज मांग नहीं मिली। कह रहे जी भाई आप लोगों की यही तो मांग है, जी हमको हिसाब किताब बताओ, हिसाब किताब में जितना लिखा उतना दे देंगे। लेकिन यह मंजूर नहीं है कि हर पांच महीने में, हर एक साल में, हर दो साल में एक एनहेंसमेंट का नोटिस, हर दो साल में कहना। और दूसरी चीज मेरे को बड़ी अच्छी लगी कि जी जितना पैसा हमसे ले रहे हैं वो पैसा किसानों के पास नहीं जा रहा। आप लोगों की मांग है कि किसानों को जितना पैसा एनहेंसमेंट का लिया जाए, जितना पैसा आप लोगों से लिया जाए वो सारा किसानों को मिलना चाहिए। बिल्कुल जायज मांग है, तो किसान आपकी लड़ाई का हिस्सा है। आपसे तो 15% ब्याज ले लेते हैं, लेकिन किसानों को जब देते हैं मुआवजा उनको एक पैसे का ब्याज नहीं मिलता। 20% उनसे टीडीएस काटते। तो ये तो पूरा का पूरा बहुत बड़ा घोटाला है। फिर मैंने समझने की कोशिश करी, मैं ये सारा पैसा जा कहां रहा है, क्यों कर रहे हैं ये सब। तो फिर अखबारों में जो कुछ खबरें थी और कोर्ट के जो ऑर्डर थे वो पढ़ने के बाद पता चला, इन्होंने किसानों के नाम पे खूब फर्जी अकाउंट खोल रखे हैं। हिसार में और पंचकुला में काफी बड़े घोटाले निकले, 118 करोड़ का हिसार में, 118 करोड़ रुपए इन्होंने फर्जी अकाउंट में किसानों के 44 बैंक अकाउंट खोले गए हैं, और उन 44 बैंक अकाउंट में एक ही आदमी का फोन नंबर है। 44 किसानों के बैंक अकाउंट खोले गए, उनमें एक ही आदमी का फोन नंबर, इसका मतलब 44 के 44 किसी दलाल के अकाउंट है, किसी नेता के अकाउंट है, कोई और है उसके पीछे। तो आपसे एनहेंसमेंट का पैसा लेके वो सारा का सारा पैसा चोरी हो रहा है, किसानों को नहीं मिल रहा, इसलिए आपसे बार बार एनहेंसमेंट कर रहे हैं। जबरदस्ती की एनहेंसमेंट की जा रही है कि इनसे पैसा ले लो और उस पैसे को लूट लो, इनसे पैसा ले लो उस पैसे को लूट लो, जानबूझ के ये किया जा रहा है दोस्तों। तो आपकी मांगे बिल्कुल जायज है कि ये सारा हिसाब किताब दिया जाए। दुख की बात यह है कि इसमें सारी पार्टियां शामिल है, ये घोटाला अभी का नहीं है कि 3 साल का है, इसमें खट्टर साहब भी शामिल है, इसमें उसके पहले हुड्डा सरकार थी वो भी शामिल है, और उसके पहले वो भी चौटाला थी, कई सालों से चल रहा है, ये सारे इसके अंदर शामिल है। खट्टर साहब कहते हैं मैं ईमानदार हूं, ये हुड्डा सीधे उनके अंदर में आता है, खट्टर साहब उसके चेयरमैन है, गलत नहीं कह रहा, खट्टर साहब उसके चेयरमैन है। मैं जैसे दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन हूं, दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते, दिल्ली जल बोर्ड बहुत बड़ा है, दिल्ली जल बोर्ड में अगर कोई एक्सीडेंट घोटाला कर दे, कोई कुछ कर दे, मेरे को पता नहीं चलता, लेकिन अगर कोई घोटाला करे और मेरे को कोई आके बार बार बताए जी घोटाला हो गया, घोटाला हो गया, घोटाला हो गया, कुछ करो, और फिर भी मैं ना करूं, तो इसका मतलब पैसे मेरे पास भी पहुंच रहे हैं, गलत नहीं कर रहा भाई साहब। आप लोगों ने इतनी बार बता दिया खट्टर साहब को, कोर्ट ने बता दिया जी 118 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, पंचकुला में घोटाला निकलाया, और आप हरियाणा सरकार में किसी अफसर से बात कर रहे हो, अफसर दबे शब्दों में कहे भाई जी 10% जाता ऊपर तक, कितनी ऊपर तक जाता मेरे को नहीं पता, लेकिन सारे कहते हैं कि 10% जाता ऊपर तक। तो अगर इसके बारे में हिसाब किताब खट्टर साहब नहीं दे रहे तो मन में शक पैदा होता है कि पैसा कितनी ऊपर तक जा रहा है। तो दोस्तों मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, आपके सामने मैं एक प्लान प्रस्तुत कर रहा हूं। 1 महीने के अंदर खट्टर साहब सारा हिसाब किताब जनता के सामने रखें, मंजूर है?
एक महीने के अंदर खट्टर साहब सारा हिसाब किताब जनता के सामने रखे। अगर एक महीने में उन्होंने खट्टर साहब ने हिसाब किताब नहीं रखा तो हरियाणा की जनता मान लेगी कि पैसा खट्टर साहब तक जा रहा है। खट्टर साहब जांच रुकवाना चाहते हैं, दोषियों को बचाना चाहते हैं, क्योंकि पैसा खट्टर साहब के पास जा रहा है। एक महीने में सारा हिसाब किताब रखें, एक महीने के बाद हम सारे जने फेर मिलेंगे। अगर उन्होंने हिसाब किताब रख दिया सबके सामने तो उस हिसाब किताब के ऊपर चर्चा करने के लिए मिलेंगे, और अगर उन्होंने हिसाब किताब नहीं रखा तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, दिल्ली में बिजली आंदोलन करा था हम लोगों ने, दिल्ली में हमने सारे बिजली के बिल जलाए थे, हमने कहा अब अगली सरकार अपनी बनेगी, बिजली के दाम आधे कर देंगे। अगर एक महीने के अंदर खट्टर साहब हिसाब किताब आपका नहीं रखे, सारे अपने अपने अनाउंसमेंट के नोटिस याद आना, होली जलाएंगे अनाउंसमेंट के नोटिस। अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। होली चलाएंगे अनाउंसमेंट के नोटिसों की, और चैलेंज करते हैं खट्टर साहब को, जो करना कर लेना। फिर जितना ब्याज 15% के हिसाब से लिया गया ये बिल्कुल गलत है। ये जो कह रहे हैं रिबेट देंगे रिबेट देंगे रिबेट देंगे, ये रिबेट भी घोटाला है भाई साहब। रिबेट क्यों देना चाहते हैं? अगर ये कह रहे हैं 40% की रिबेट देंगे 37% की रिबेट देंगे, इसका मतलब भाई साहब आपका बनता 60% से ऊपर है, 70% से ऊपर है। हो सकता है जब सारा हिसाब किताब निकल के आए आपका रिफंड बनता हो। ये 40% रिबेट देके कोई एहसान नहीं कर रहे आपके ऊपर, कोई घाटे का सौदा नहीं है इनका, इन्होंने भी कमाने हैं। तो ये 40% 37% के चक्कर में मत पड़ जाना, ये रिबेट के चक्कर में। ये जब हिसाब किताब निकलेगा मेरा मन कहता है आपका रिफंड बनेगा, आपको कोई अनाउंसमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्होंने बहुत पैसा कमा लिया आप लोगों से। तो दोस्तों ये 15% के हिसाब से जो ब्याज है ये ब्याज सारा खत्म करना चाहिए। ये कोई इनका हक नहीं बनता, जितना ब्याज इन्होंने लिया वो सारा रिफंड किया जाए। जिस दिन हिसाब किताब रखेंगे, अगर आपका एनहांसमेंट बनता है एनहांसमेंट देंगे, लेकिन हिसाब किताब रखने के बाद एनहांसमेंट का अमाउंट तय होगा। अगर इन्होंने ब्याज लेना है तो ब्याज उस तारीख के बाद होगा, उसके पहले का कोई ब्याज नहीं होगा। और उसके बाद हिसाब किताब की जो जांच है, मेरा अपना मानना है आप लोग बताना, वो त्रिपक्षीय होनी चाहिए। उसमें किसान हो, आपके रिप्रेजेंटेटिव हो और सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हो। ट्रिपार्टाइट कमिटी बन जाए, हर सेक्टर की बन जाए, जिसमें आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हो, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हो और किसानों के रिप्रेजेंटेटिव हो। आप चाहे अपना सीए ले जाओ, चाहे वो अपने सीए लाए, जो मर्जी अपना सीए ले आए। मंजूर है कि नहीं है? मंजूर है जी। और अगर ये नहीं करते खट्टर साहब, होली चला देना, अनाउंसमेंट की कुछ नहीं कर सकते। खट्टर साहब अगली अपनी सरकार बनाएंगे, आपका सारा अनाउंसमेंट का हिसाब किताब आपके साथ रख देंगे। आखिरी बात, ये जितनी एफआईआर हुई है फर्जी एफआईआर करी है इन लोगों ने, जिन जिन लोगों ने आपका पैसा लूटा है नकली अकाउंट बना के, भाई साहब मैं भी सरकार में रह चुका हूं, इतने बड़े स्तर के ऊपर 118 करोड़ का घोटाला कोई छोटा मोटा क्लर्क नहीं कर सकता जब तक ऊपर वाले शामिल नहीं है। इसकी जांच करवाई जाए, और जितने बड़े बड़े लोग इसके अंदर शामिल है उन सब लोगों के खिलाफ एफआईआर करके उन सब लोगों को जेल भेजा जाए। और जब तक ऐसा नहीं हो जाता मैं कंधे से कंधा मिला के आपका साथ दूंगा। कहीं कहोगे तो मैं आपके साथ अनशन पे भी बैठूंगा, धरने पे भी बैठूंगा। भारत माता की।